लिम्पु अधुरा रे अब यो चाहिँ यो मिचियो रे अनि यो रक्षा कले गर्दिने हो यो रक्षा कले यो सरकारले गर्ने कि कले गर्ने हो 70 वर्षदेखि उठेको कुरा यो करे यो हामीले गर्ने कि यो सरकारले गर्दिने हो यो सरकार के घर बसेका थियो त्यो 8 वर्षदेखि बनिरहेको किन नगरेको यो नगर्ने राष्ट्रघाती हो कि होइन अनि यो चाहिँ मधेसी दलले बोलेन राजेन्द्र महतोले बोलेन रे अरे यो सीमा को रक्षा तो दौरा सुरबा टोपी लगाउने केपी ओली लगाउने कि राजेन्द्र महतो धोती लगाउने गर्ने लिम्पिया धुरा लिपुलेख र काला पानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ का विवाद भी आया है लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है उन्होंने हमारी विदेश नीति उनकी क्षमता के ऊपर belongs to them. There is no dispute in that whatsoever. The road which we have made is in fact to the west of the river. So I don't know what they're actually agitating about. There are little issues as you go ahead as to where exactly the tri-junction should be. There have never been any problems on this core in the past. There is reason to believe that they might have raised these problems or these issues at the behest of someone else and that is very much possible. अरुको सन्दर्भमा अरूले भनेर अरूले खटाएर नेपालले बोल्यो जस्ता कुराहरू यो अत्यन्तै नेपाल राष्ट्रलाई होच्याउने र अपमान गर्ने कुरा हो नेपाल राष्ट्र यो गुलामीलाई कहिल्यै स्वीकार नगरेको स्वाभिमानका निम्ति बलिदान गरेको दासता अस्वीकार गरेको स्वाभिमानी राष्ट्र हो कसैको उत्साहट र भयकामा चल्दैन यो सबैले बुझ्ने गरी म भन्न चाहन्छु हाते भारत का है गाते चीन का है इसी खबर का रुख कर लेते हैं भारत में फिल्मों से मशहूर ही अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप गवयाली के ट्वीट का जवाब देते हुए मनीषा कोइराला ने यह भी बात कही है सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने इस मुद्दे पर चीन को भी पार्टी माना है दरअसल मनीषा कोइराला का अगर आप ट्वीट देखें तो बकायदा उन्होंने कहा है कि जो दावा नेपाल की कैबिनेट ने नए मैप के जरिए किया है वो ठीक है मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब तीन देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं तीन देश मतलब भारत नेपाल और चीन देखिए नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के तीन इलाकों को अपने इलाके का बताया अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया उसी पर मुखर होकर अब सामने आ गई है मनीषा कोइराला जो कि अब तक कहीं भी तस्वीर में नहीं थी और उन्होंने इस मुद्दे पर एक विवादित बयान दे दिया और इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं नेपाली नागरिक रही मनीषा कोइराला बड़ी फिल्मों में स्टार बनी स्टारडम हासिल हुई उनको उनको रोजगार यहां भारत में मिला लेकिन अब नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया है उस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मसले पर चीन नेपाल और भारत को मिलकर बात करना चाहिए हम बता दें आपको 90 के दशक में सौदागर फिल्म से इंडस्ट्री में उन्होंने जगह बनाई एक वक्त में 90 के दशक में खान्स की हीरोइन कहा जाता था मनीषा कोइराला का बेहद खूबसूरत उनकी अदा थी उनकी फिल्में हिट होती थी मनीषा कोइराला ने जब जो पाया है भारत से पाया है लेकिन आज जो मनीषा कोइराला ने कहा है नेपाल के नए मैप को लेकर वो बेहद हैरान करता है मनीष कोइराला ने ट्वीट क्या किया है ये भी आप जान लीजिए उन्होंने क्या मनीषा कोइराला ने ट्वीट किया आपके सामने रख रहे हैं हमारे छोटे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए धन्यवाद तीन महान देशों के बीच हम शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं देखिए इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि
खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। देखिए मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में उनकी जो पहचान है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन मनीषा कोइराला का ये ट्वीट जो है वो दिल दुखाने वाला है। भारत में रहकर भारत से रोजी रोटी कमाने वाले अब ऐसे विवादास्पद नक्शे पर ट्वीट करके चीन को पार्टी बनाने की कोशिश में जुटे हुए। तो चीन के इशारे पर क्या मनीषा कोइराला कर रही हैं एक्टिंग? देखिए पिछले कई दिनों से चीन के इशारे पर नेपाल की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे। नेपाल की तरफ से कल एक बयान दिया गया कि दरअसल जो वायरस है वो चीन की तरफ से जो आया वो अलग था, भारत की तरफ का जो वायरस था वो अलग था। ये वो मैप है जो नेपाल की कैबिनेट ने पास किया था। इस मैप में दो इलाके खासतौर पर कालापानी और लिंपू लेक को नेपाल ने अपने हिस्से का बताया और इस मैप का समर्थन कर रही है मनीषा कोइराला। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इतना विवादित बयान दिया कि बोलते बोलते वो ये भी बोल गए कि चीन की तरफ से जो वायरस आया वो सॉफ्ट वायरस था, जो भारत से वायरस आया वो हार्ड वायरस है। यानी चीन से जो केसेस नेपाल आए वो लोग तो जल्दी ठीक हो गए लेकिन भारत वाले ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। नेपाल को पहले को संदर्भ में नेपाल को स्वाभिमान माथि यस्ता खालका कमजोर निमसरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोल्दिए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको, नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो, कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने टिक्ने अडिने ढल्ने ढालिने कल्पना नगरे भन्छ। यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना काला पानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ। हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले महेश गरिमा महेश सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन, यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सक्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यस कारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यक। हामीले अर्गेलै गरेको छैन, त्यस कारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ सम्बोधनमा आएको छ, हामी लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता